हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुचिस्मिता सारंगी। टुडे आई एम स्टार्टिंग टू टीच यू अबाउट द सेल वॉल। तो सेल वॉल को मैं दो पार्ट में पढ़ाऊंगी। पहले मैं बेसिक बता दूंगी व्हाट इज सेल वॉल और उसके लेयर्स वगैरह कंपोजिशन वगैरह मैं तुम्हें बता दूंगी, और सेकंड पार्ट में तुम्हें अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। ओके तो हमें जानना है सेल वॉल क्या होता है। तो सेल वॉल इज ए थिक रिजिड सेमी इलास्टिक सेमी ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल व्हिच सराउंड द आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक थिक रिजिड सेमी इलास्टिक। ओके, इलास्टिक का मतलब क्या होता है तुम सबको पता है, जैसे इलास्टिक तुम लोग यूज़ करते हो तो उसी यूज़ के इलास्टिक का सेमी सम सेमी मतलब थोड़ा सा इलास्टिक होगा। ओके तो ऐसा रहता है क्या ना हमारा सेल वॉल। अच्छा तो पहले ये सेल वॉल तो ऐसा रहता है। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि प्लांट सेल बैक्टीरिया सेल और जो रह गए मतलब सम प्रोकैरियोटिक सेल एंड प्लांट सेल में हम क्यों देखते हैं सेल वॉल को। नॉर्मली एनिमल सेल में तो नहीं दिखाई देता, तो इन सब में सेल वॉल क्यों दिखाई देता है। तो इसका आंसर ये है कि हमारे जो सेल है एनिमल जो है वो घर में रहते हैं। ह्यूमन को देख लो तो ह्यूमन घर में रहते हैं, अगर तुम टाइगर को देखोगे तो वो केव में रहता है। ओके, अगर तुम बाढ़ को देखोगे तो बाढ़ भी अपना के मतलब घोंसला बना के उसके अंदर रहता है। तो इस तरह से क्या होता है वो सभी लोग धूप बारिश और जो बाहर के एनवायरनमेंट से ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं आते हैं, लेकिन हमारा प्लांट जो है बैक्टीरिया जो है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो कोई घर बना के किसी केव में या घोंसले में या किसी मतलब क्या बोलते हैं होल बना के उसके अंदर नहीं रहते, वो एक्सपोज होते हैं एनवायरनमेंट के ओर। तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए होता है उनके सेल को, तो उनके सेल को जो ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए होता है वही प्रोटेक्शन कौन देता है हमारा सेल वॉल, उन्हें वो प्रोटेक्शन देता है। ओके तो अब सुनो, थिकनेस ऑफ द सेल वॉल इज वेरीज बिटवीन 0.1 to 10 micrometer। ओके, किसमें होता है इसका थिकनेस इतना ना, वो होता है प्लांट सेल पे। ओके, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द सेल वॉल थिक इज अबाउट 150 to 200 angstrom। इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल थिकनेस इज अबाउट 75 to 125 angstrom। ओके चलो अब मुझे तुम्हें बताना चाहिए क्या कि कंपोस्ट क्या करता है सेल वॉल। द सेल वॉल स्केलेटन ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज कंपोस्ट ऑफ पॉलीमर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ओके, कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकन बैकबोन ऑफ एसिटाल म्यूरामिक एसिड एंड एसिटाल ग्लूकोजामाइन एंड क्रॉस लिंक पेप्टाइड चेन कंटेनिंग डी एंड एल अमीनो एसिड्स। ओके, जब हम अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगी डी और एल अमीनो एसिड क्या होता है। ओके, अब तुम लोग को बस यह याद रखना है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या कंपोज करता है उसके सेल वॉल में। ओके, देन आता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल जो थिन होता है कंपोज क्या करता है ना, पेप्टिडोग्लाइकन जो इसमें था एंड एन आउटर मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स लिपोपॉलीसैकेराइड्स लिपोप्रोटीन्स एंड सरफेस प्रोटीन्स। ओके, सरफेस प्रोटीन्स द लिपोपॉलीसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ लिपिड ऑफ ए एंड ओ। अब हमें जानना चाहिए प्लांट सेल का कंपोजिशन क्या होता है। ओके, प्लांट सेल में ये सारे चीज़ रहते हैं जो हमें बोलते हैं। वाटर का परसेंटेज कितना रहता है उसमें, 30 to 60% रहता है वाटर। हेमी सेलुलोज कितना रहता है, 5 to 60% रहता है हेमी सेलुलोज। पेक्टिन सब्सटेंसेस कितना रहता है ना, 2 to 15% रहता है पेक्टिन। ओके, प्रोटीन कितना रहता है, 1 to 2। लिपिड कितना रहता है, 0.5 to 3।
माइक्रोफिब्रिल्स कितना रहते हैं 20 to 30 देन आता है डिस्पोजिशंस कितना होता है 0 to 0.25 वो बहुत ही कम होता है और नेग्लिजिबल होता है। देन चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है? नॉर्मली जो सेल वॉल हमारा है, नॉर्मल हम जो प्लांट्स देखते हैं उनमें क्या होता है, 3 लेयर्स रहते हैं सेल वॉल के, क्या? मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शियरी सेल वॉल, सॉरी सेकेंडरी सेल वॉल। बट जो टर्शियरी सेल वॉल है वो हम सिर्फ जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। ओके, देन मिडिल लैमेला क्या है? द मिडिल लैमेला इज द पार्ट ऑफ सेल सेल वॉल दैट इज आउटर मोस्ट लेयर इन बिटवीन सेल दैट इज रिच इन पेक्टिन दैट कंपोनेंट्स द प्राइमरी सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल टुगेदर इट रिजिड सब्सटेंसेस एंड फॉर्म प्लाज्मोडेमाटा बिटवीन द सेल। ओके, सेल के अंदर प्लाज्मोडेमाटा भी इसी के बदलत बनता है। ओके, मिडिल लैमेला का और क्या काम है वो भी हमें जानना चाहिए। तो चलो देखते हैं मिडिल लैमेला का और क्या काम है। द फ्री सरफेस ऑफ द प्लांट सेल लैक मिडिल लैमेला। ओके, चलो अब हम जाएंगे किसके बारे में ना, चलो हम चलते हैं प्राइमरी सेल वॉल के बारे में। ओके, प्राइमरी सेल वॉल जो है, दिस सेल वॉल इज थिन फ्लेक्सिबल एंड एक्सटेंसिवली लेयर ऑफ द सेल वॉल कंपोस्ट ऑफ सेलुलोज पेक्टिन एंड हेमी सेलुलोज। अब द प्राइमरी सेल वॉल कंटेन्स मोर पेक्टिन देन द सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल फ्रॉम बीनीथ द प्राइमरी सेल वॉल एंड प्राइमरी सेल वॉल जो है वो मिडिल लैमेला एंड सेकेंडरी लैमेला के सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में है। ओके, द मिडिल लैमेला इज द सेल वॉल लेयर अबव द प्राइमरी सेल वॉल, दस द प्राइमरी सेल वॉल इज फाउंड इन बिटवीन द मिडिल लैमेला एंड द सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल। ओके, तो इसके बारे में और क्या जानते हैं हम? सेकेंडरी सेल वॉल इज थिक एंड रिजिड एंड प्रोवाइड ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द सेल। इट कम ओके, इट इज फाउंड इन मैच्योर और नॉन ग्रोइंग सेल। जो सेल मैच्योर नहीं होता है, नॉन ग्रोइंग ग्रोइंग नहीं होता है, उसी सेल में ये दिखाई देता है। ओके, देन सेल वॉल के बारे में, प्राइमरी सेल वॉल के बारे में और क्या मेन पॉइंट है? प्राइमरी सेल वॉल जो है वो रिसेंटली बीन डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ 3 intermolecular नेटवर्क। द फर्स्ट नेटवर्क इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल, एडजेसेंट माइक्रोफिब्रिल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ जाइलोग्लुकन चेन्स। ओके, एंड द सेकेंड है, सेकेंड क्या होता है, द सेकेंड नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ पेक्टिन पॉलीसेकेराइड्स। द थर्ड इंटरलॉकिंग नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन दैट इंटरवेव द अदर टू आर्बिन्स फॉर्मिंग वाइट एंड वेव्ड स्ट्रक्चर। ओके, अब हम चलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में। ओके, तो सेकेंडरी सेल वॉल इज द स्ट्रक्चर फाउंड इन मेनी प्लांट सेल लोकेटेड बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। In primary cell wall, the orientation of microfibrils is transverse to the long axis and during the growth, the arrangement may be longitudinal. Okay, the fibrils known, the attached fibrils, show layer in their secondary cell wall. The outer layer is one and the इन आउटर लेयर S1, देन आता है हमारा इनर लेयर, आउटर लेयर होता है S1, देन इनर जो सेंट्रल लेयर S2 एंड देन इनर लेयर S3। ओके,
ये हो गया हमारा सेकेंड एयर। देन टर्शियरी रियालिथीन, टर्शियरी सेल वॉल जो है पुरियालिथीन एंड एडेड इन द सेल वॉल, इट इज द सीन इन द जाइलम ट्रैक्ट्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म, इट इज फॉर्म सब्सटेंसेस ऑफ द जाइलम। ओके, देन हम उसका फंक्शन जानना चाहिए, क्या है प्लस का फंक्शन। इसका फंक्शन जो है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। प्लाज्मोडेमास्टा नाम का एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, प्लाज्मोडेमास्टा एक फॉर्मेशन करता है, दोनों सेल के बेस में एक जॉइंट बनता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेमास्टा। ओके, जिसके थ्रू क्या होता है कि सारे जो है वो सब्सटेंसेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो प्लाज्मोडेमास्टा कैसे बनता है चलो मैं तुम्हें डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखो प्लाज्मोडेमास्टा का डायग्राम क्या होता है, ये एक सेल है, देन आता है दूसरा वाला इसके अंदर, तो ये दोनों के बीच में एक पोर है, उसी पोर के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन होता है सब्सटेंसेस, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडेमास्टा। अंडरस्टैंड? देन गिव्स द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल वॉल, बस्टिंग द सेल बाय एंडोस्मोसिस इज प्रिवेंटेड। ओके, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अब वो एक बात तुम लोग को मैं बता रही हूँ, तुम लोग जो ये मेरा चैनल देखते हो अगर पसंद आता है तो तुम लोग लाइक और लाइक कमेंट नहीं करते, शेयर भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो एक काम करना मेरे पूरे वीडियो देखने के बाद अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम एक काम करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे चैनल पर कमेंट भी कर लेना, जो तुम देखना चाहते हो उसको भी तुम देख लेना, जो तुम अगले वीडियो में जिस चैप्टर के बारे में जानना चाहते हो, जो तुम्हारा डाउट है उसके बारे में भी कमेंट में लिख लेना, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ तो तुम लिख लेना कौन सा वीडियो नेक्स्ट तुमको चाहिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो तुम्हारे लिए बना के लेके आऊँगी। ओके, नाउ थैंक यू।